अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे जैक रैबिट के बारे में। जैक रैबिट बेसिकली एक हेयर है, ये इसका नाम तो जैक रैबिट है लेकिन ये एक्चुअली रैबिट नहीं, ये हेयर है। जिस तरह मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि रैबिट और हेयर में फ़र्क होता है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लें तो आपको पता चल जाए कि रैबिट और हेयर में फ़र्क होता है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसका जस्ट नाम रैबिट है लेकिन एक्चुअली ये रैबिट नहीं, ये हेयर है। तो इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा हेयर होता है, बहुत ही बड़े साइज़ का हेयर होता है। इसका कितना साइज़ होता है, कितनी लेंथ होती है, किधर पाया जाता है, इसकी कितनी किस्में हैं, जो इसकी वही दीगर चीज़ें हैं, ब्रीडिंग के हवाले से खसूसियात हैं, जो उसके ऊपर इंशाल्लाह आज बात करेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि इसकी तीन किस्में होती हैं, जैक रैबिट की तीन किस्में हैं। एक है वाइट टेल्ड जैक रैबिट, ब्लैक टेल जैक रैबिट और एंटीलोप जैक रैबिट। तो जो वाइट टेल है, ब्लैक टेल है और एंटीलोप जैक रैबिट है, ये इसकी तीन किस्में हैं। तो अभी आपको पिक्चर शो हो रही हैं वन बाय वन। ये सबसे पहले ब्लैक टेल्ड जैक रैबिट की दिखा देता हूँ। ये जैक रैबिट में सबसे बड़ा नहीं होता, ब्लैक टेल्ड रैबिट, जैक रैबिट में सबसे बड़ा वाइट टेल्ड जैक रैबिट होता है, या फिर एंटीलोप जैक रैबिट सबसे बड़ा होता है। मगर अभी आपको ब्लैक टेल्ड जैक रैबिट की पिक्चर शो हो रही हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये जिस तरह कि मैंने बताया कि क्योंकि ये हेयर है, तो हेयर की जो खासियत होती है कि इनकी टांगें पतली पतली लंबी होती हैं, कान भी लंबे होते हैं, कुछ हेयर्स के छोटे भी होते हैं, लाजमी नहीं है कि हर हेयर के बड़े हों। तो ये जो है ये अमेरिकन इलाके में पाए जाते हैं, अमेरिकन इलाके की ये ब्रीड है, क्योंकि ये जो है ब्लैक टेल सॉरी जैक रैबिट जो है ये हेयर है। तो ये अमेरिका के डेजर्ट्स में यानी कि सहराओं में, जंगलों में, मैदानों में और पहाड़ी इलाकों में भी पाया जाता है। अब ये जो ब्लैक टेल जैक रैबिट आपको शो हो रहा है, क्योंकि ये जो है इसकी टेल ब्लैक है, आप देख सकते हैं जो टेल है ऊपर की तरफ से पीछे वाली टेल ब्लैक है, इसलिए इसको ब्लैक टेल जैक रैबिट कहते हैं, और इसकी ऐसे एक टिप्स भी ब्लैक होते हैं। तो ये था ब्लैक टेल जैक रैबिट। अब आपको दिखाते हैं वाइट टेल जैक रैबिट। अच्छा जी, अब आपको वाइट टेल्ड जैक रैबिट शो हो रहा है। अब जिस तरह से वो ब्लैक टेल था, क्योंकि उसकी जो टेल थी ब्लैक थी, उसको ब्लैक टेल जैक रैबिट कहते हैं। अब जो इसकी टेल है, जो पीछे से आप देख सकते हैं, वो वाइट कलर की होती है, और इसमें बॉडी में भी वाइटिश वाइटिश सा कलर आ रहा होता है, इसलिए इसको वाइट टेल्ड जैक रैबिट कहते हैं। अच्छा, जनरली जैक रैबिट के बारे में बात करें तो जिस तरह मैंने बताया कि अमेरिका के इलाकों में पाया जाता है, प्लस ये जो इसका एवरेज साइज़ है, वो जो इसका एवरेज क्लच साइज़ है, जो मतलब एक क्लच में कितने बच्चे देता है, वो है तकरीबन 3 से 4 क्लच साइज़। जैसे कम भी हो सकते हैं, 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 8 बच्चे भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। असल में हेयर्स का ये होता है कि जितना टेम्परेचर वार्म होता है, उतने नंबर ऑफ बेबीज़ पर क्लच ज़्यादा आते हैं। तो वो इसकी इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा वार्म मौसम हो तो ये बच्चे ज़्यादा नंबर ऑफ़ बेबीज़ पर क्लच ज़्यादा देते हैं, अगर कोल्ड क्लाइमेट हो तो नंबर ऑफ़ बेबीज़ पर क्लच कम देते हैं। तो ये जो है वाइट टेल जैक रैबिट है। तो इसके अलावा जो एक तो ब्लैक टेल हो गया जैक रैबिट, ये वाइट टेल जैक रैबिट हो गया। अब इसके अलावा आ जाता है एंटीलोप जैक रैबिट। तो वैसे वाइट टेल जैक रैबिट भी जो है बड़ा है ब्लैक टेल जैक रैबिट से। अच्छा, अब आपको शो हो रहा है एंटीलोप जैक रैबिट। एंटीलोप जैक रैबिट जो है ये दोनों से थोड़ा डिफरेंट है, ब्लैक टेल और वाइट टेल से। इसका जो बॉडी कलर है पूरा वही उनसे डिफरेंट है। इसमें आप देख सकते हैं इसका जो बॉडी कलर है, नीचे से वाइट बेली होती है, ऊपर साइडों से लाइट कलर का ग्रे होता है, ऊपर से जो इसकी कमर होती है वो ब्लैकिश ऑरेंज से कलर की होती है, ठीक है। तो ये वैसे नॉर्मली सबसे बड़ा होता है जैक रैबिट में, या वाइट टेल जैक रैबिट भी इन दिनों में से सबसे बड़ा हो सकता है। तो मतलब कभी कोई एंटीलोप वाइट टेल से बड़ा होगा, कोई वाइट टेल एंटीलोप से बड़ा होगा। तो जो एंटीलोप जैक रैबिट ये आपको शो हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा फिर जनरली अगर वाइट टेल रैबिट के सॉरी जैक रैबिट के बारे में जनरली बात करें, तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा होता है। अब इसके साइज़ की बात कर लेते हैं, इसका साइज़ कितना होता है। इसकी जो लेंथ है, यानी कि जो फ्रंट से बैक तक, यानी कि इसके मुंह से लेके पिछली टांगों तक जो इसकी लेंथ है, वो तकरीबन 2 फुट तक जाती है, एंटीलोप की भी और वाइट टेल की भी 2 फुट तक तकरीबन जाती, ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन 2 फुट तक जाती है ज़्यादा से ज़्यादा वैसे नॉर्मली। और जिसकी टेल है वो भी तकरीबन 4 इंच की, 3 4 5 इंच तक जाती है। तो अगर यानी कि टेल अगर पीछे की तरफ की जाए लंबी, और उसका नोज से लेकर टेल तक अगर मेयर की जाए, तो ये 3 फुट तक भी लेंथी हो सकता है ये रैबिट। अब इसकी हाइट की बात करें, देखिए जो हाइट, इस तरह मिसाल तौर पर जो एंटीलोप जैक रैबिट है, अगर हाइट की बात करें
तो जो इसकी फ्रंट लेग्स हैं, फ्रंट लेग्स ही जो हैं इसकी 7 से 8 इंच तक लेंथी हो सकती हैं। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि लेंथी हो सकती है, ये लाजमी नहीं है कि इतनी लेंथी होंगी हर रैबिट की, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कि 7 से 8 इंच तक इसकी फ्रंट लेग लेंथी हाइट में हो सकती हैं, और जो इसके ईयर हैं वो भी 6 से 7 इंच तक लेंथ हो सकते हैं। यानी कि सिर्फ अगर लेग्स और ईयर्स को अगर आप मिला लें तो 14 इंच तकरीबन, 13-14 इंच तो सिर्फ यही बन जाता है, 14-15 इंच तो सिर्फ इन दोनों की बन जाती है, बाकी बीच में इसका फेस है, इसकी नेक है। यानी कि ये तकरीबन 2.5 फुट इसकी जो अपना फर्स्ट पंजे हैं, जो जो अगले जो पंजे हैं, पाँव हैं, उससे लेके जो ईयर की टिप तक अगर हम मेयर करें, जब ये फुल खड़ा होता है अपनी दो टांगों पे ऊपर मुंह करके, तो जो ईयर के टिप्स हैं वहाँ से लेके इसके पंजों तक अगर हम मेयर करें, अंदाजा लगाएं, तो ये तकरीबन 2.5 फुट तक लेंथी, 2.5 फुट तक हाइट में आ सकता है। इससे लंबा भी हो सकता है, तस्वीरों में, लिटरेचर में इससे लंबा भी आया, 3 फुट तक भी आया, लेकिन जो अच्छा जैक रैबिट है, जो मैक्सिमम जाता है नॉर्मली, वो इतने इस हाइट तक जाता है। यानी कि आप इसकी जो लेंथ भी है 3 फुट तक, 2.5 से 3 फुट होती है, हाइट भी 2.5 से 3 फुट तक जा सकती है, बाकी लिटरेचर में इससे ज़्यादा भी है, लेकिन ऑन एवरेज अच्छे साइज का इससे ऊपर जाता है। अब वेट की बात करें, जो वेट है वो कंपैरेटिवली इसके हाइट जितना नहीं है, साइज जितना नहीं है, क्योंकि ये जंगली रैबिट्स हैं। जंगली रैबिट्स के जो एनाटॉमी होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी टांगे पतली होती हैं, इनका जिस्म बहुत पतला होता है और हाइट में होता है, इसलिए इनका वजन उस तरह ज़्यादा से नहीं होता। अब इसका इतने लंबा लेंथी होने के बावजूद भी जो जैक टेल का वेट है वो मैक्सिमम 4-5 kg तक जाता है। अगेन वही बात, अगर लिटरेचर में से ज़्यादा भी आया है 6 kg तक जा सकता है, लेकिन नॉर्मली ये 2 से 4 kg जो है इसकी रेंज है। हालांकि आप हैरान होंगे कि इतना लंबा, इतना बड़ा और वेट इतना कम, क्योंकि मैंने बताया कि ये इसका एनाटॉमी स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये पतला और लंबा है। अब इसी की नस्बत सर न्यूजीलैंड मिसाल के तौर पर, अगर उसकी हाइट और लेंथ का इससे कंपेरिजन करें तो वो इससे आधा भी होगा, आधा ही होगा तकरीबन, लेकिन वेट इससे वो उसका 5 kg तक जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो मसल्स वाली है, वो बॉडी ज़्यादा उस तरह से लेंथ नहीं है, चौड़ी बॉडी है, लेकिन ये बॉडी पतली और लेंथी है। बहरहाल ये मैंने सोचा आपके साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ इसके ऊपर, जैक रैबिट के ऊपर, क्योंकि मुझे खुद हेयर बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने कहा चलो इसके ऊपर वीडियो बना लें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।